नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो DRDO की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि DRDO की ओर से यहाँ पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपके सामने यहाँ पर ये राज का नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ डाउनलोड करना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, फुल डिटेल के साथ आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड, जो ये वैकेंसी है इसमें आप भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई हुई, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि इस भर्ती में महिलाओं को भी मौका दिया गया है। और अगर आप 10वीं पास है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और इस भर्ती की सबसे बड़ी बात होगी, ऑनलाइन मोड से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, यानी केवल और केवल आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से इस भर्ती का आवेदन करना होगा। और इस भर्ती में जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो आज का क्वेश्चन होगा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको राइट आंसर लगा हो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यार इस क्वेश्चन का हमें ज़रूर बता कर जाना। और फ्रेंड, जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो DRDO की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट होगी कि एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है 116 पोस्ट मिलेगी टोटल। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको इस भर्ती में आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई हुई है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का पे स्केल जो रहेगा 7,700 से लेकर 21,700 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा, यानी कि आपको यहाँ पर इतनी सैलरी दी जाएगी। एप्लीकेशन जो फीस रहेगा सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कि भले आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST सभी कैटेगरी को यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आवेदन करना होगा। एज, अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट की बात करें तो अगर आपके 18 ईयर से लेकर 27 ईयर के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको उसमें यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पर केवल और केवल आपका रिटर्न एग्जाम रहेगा। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, 10वीं या फिर IT अगर आपने किया हो तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में आपको कोई फिजिकल टेस्ट भी नहीं होगा, यानी कि नहीं कोई आपकी हाइट रहेगी, ना कोई आपके यहाँ पर दौड़ रहेगी, यानी कि रनिंग भी इस भर्ती में नहीं रहेगी। जो स्टार्टिंग डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 26 मार्च 2020 से आप इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 3 अप्रैल 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं या फिर इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आपको यहाँ पर आना होगा। सब इम्पोर्टेंट लिंक्स आने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी email ID देनी है, मोबाइल नंबर देना, पासवर्ड देना है, यहाँ पर आपको रीड टाइप पासवर्ड करना है, यानी कि दोबारा से आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है। दोनों बॉक्स में आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ से जहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आपको यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर जहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके ये सामने आ जाएगा email ID और पासवर्ड। आपको यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई भी कर पाएंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इसको नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 150 KB का है। आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। आपके सामने ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और जो इसमें वैकेंसी आपको दी गई है अप्लाइंटिस के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। टोटल आपको यहाँ पर 116 वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर ट्रेड के नेम भी इसमें दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।